नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडोल्फ हिटलर की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की कहानी। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे युद्ध के अनुभवों ने हिटलर की सोच और उसके भविष्य के निर्णयों को प्रभावित किया। युद्ध से पहले हिटलर का प्रारंभिक जीवन। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउ में हुआ था। बचपन से ही हिटलर ने एक कलाकार बनने का सपना देखा। 1907 में वो वियना चले गए, जहां उन्होंने आर्ट अकादमी में प्रवेश पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी। वियना में रहते हुए हिटलर का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने राजनीति और राष्ट्रीयता के विषयों में गहरी रुचि लेना शुरू किया, खासकर यहूदियों के प्रति नकारात्मक विचार। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। 1914 में ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद यूरोप में तनाव बढ़ गया और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में कई देश शामिल हुए, जिसमें जर्मनी भी प्रमुख था। अगस्त 1914 में जब जर्मनी ने युद्ध में प्रवेश किया, हिटलर ने भी उत्साहपूर्वक जर्मन सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। वो म्यूनिख की बवियन सेना की 16वीं रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गए। युद्ध में हिटलर की भूमिका और अनुभव। हिटलर को बेल्जियम में फ्रंटलाइन पर तैनात किया गया, जहां उन्होंने युद्ध की भयानकता और क्रूरता को करीब से देखा। उन्होंने खुद को एक बहादुर और समर्पित सैनिक के रूप में स्थापित किया। 1914 के अंत में प्रथम युद्ध यप्रेस में हुआ, जहां हिटलर ने पहली बार बड़ी लड़ाई का सामना किया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। उनकी यूनिट को भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हिटलर ने बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों को निभाया। 1916 में सोम्मे की लड़ाई के दौरान हिटलर को जांघ में गोली लगी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के बाद वे फिर से फ्रंटलाइन पर लौट आए। हिटलर की वीरता और समर्पण के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। 1914 में उन्हें आयरन क्रॉस सेकंड क्लास से सम्मानित किया गया और 1918 में उन्हें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया गया, जो एक गैर कमीशन अधिकारी के लिए बहुत दुर्लभ था। युद्ध के दौरान हिटलर को एक संदेशवाहक के रूप में भी तैनात किया गया था। यह एक बेहद खतरनाक कार्य था, क्योंकि संदेशवाहकों को फ्रंटलाइन पर महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचानी पड़ती थी। हिटलर ने इस कार्य को भी पूरी निष्ठा और साहस के साथ निभाया। वैचारिक परिवर्तन। युद्ध के दौरान और बाद में हिटलर के विचारों में बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने जर्मनी की हार के लिए यहूदियों और मार्क्सवादियों को दोषी ठहराया। उन्होंने महसूस किया कि जर्मनी के अंदरूनी दुश्मनों ने उनकी मातृभूमि को धोखा दिया है। 1918 में युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्साय की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया और भारी आर्थिक दंड लगाए। हिटलर इस संधि से बेहद क्रोधित थे और उन्होंने इसे जर्मनी के साथ अन्याय माना। प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों ने हिटलर की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला। युद्ध की क्रूरता और हार ने उनके अंदर एक गहरा आक्रोश और प्रतिशोध की भावना भर दी। उन्होंने जर्मनी की समस्याओं के लिए बाहरी दुश्मनों के साथ साथ आंतरिक दुश्मनों को भी जिम्मेदार ठहराया। युद्ध के बाद की परिस्थितियों ने हिटलर को एक ऐसा मंच प्रदान किया, जहां वे अपने विचारों को फैलाकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते थे। उनकी करिश्माई वक्तृता और दृढ़ विचारधारा ने उन्हें जर्मन राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अडोल्फ हिटलर के प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों की। युद्ध ने न सिर्फ हिटलर की मानसिकता को बदल दिया, बल्कि उसके भविष्य के निर्णयों को भी प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध ने एक ऐसा नेता पैदा किया जिसने विश्व इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन कौन सी कहानियां जानना चाहते हैं। धन्यवाद।